का प्रातः क्लास है 30 अक्टूबर 1966। तीसरे पेज के मध्य आज में बात चल रही थी भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की दुनिया थी, क्योंकि गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता था। अभी भी गाते हैं ये भारत प्राचीन भारत सोने की झिड़की थी, क्योंकि सोने के अर्थात सच्चाई के मैल रूपी संगठन थे, क्योंकि उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामान्य आत्मा वही सच्चाई है और गया माने गया माना सच्चाई की स्थिति में गया, स्वर्ग गया, बैकुंठ था, हेवन था, पैराडाइज था। अभी ये दुनिया को नहीं मालूम है, कुछ कुछ कोई कोई को मालूम है। अभी देखो तुमको बाप ने बताया ना, अभी कहते हैं कि 3000 वर्ष पहले क्राइस्ट से ये भारत पैराडाइज था। पैराडाइज ये अंग्रेजी में कहते हैं कि भारत पैराडाइज था, नई दुनिया थी। अभी मनुष्य नहीं जानते हैं, भारतवासी नहीं जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले ये भारत सोने की झिड़की थी। अभी बिल्कुल न जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते कि हम कहां से आते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल नहीं। तो इस दुनिया को कहा जाता है तुच्छ बुद्धियों की दुनिया। देखो इस दुनिया में इतने बड़े बड़े हैं, इतने देश विदेश में प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े विद्वान हैं शंकराचार्य जैसे, और ये बेचारे कुछ भी रचयिता रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, क्योंकि इनके बड़े जो ऋषि मुनि हुए थे वो भी ऐसे ही कहते गए कि रचयिता और रचना के आदि मध्यंत की हिस्ट्री हम नहीं जानते, नेति नेति अर्थात आदि और अंत, इसी स्त्री को हम नहीं जानते, नेति माना नहीं जानते हैं, नहीं मानते। अर्थात न हम आदि को जानते हैं न अंति को जानते हैं,
तो डबल नास्तिक हैं। आदि के भी ऊपर आस्था नहीं और अंत के ऊपर भी आस्था नहीं, क्योंकि कहा जाता है जो आदि तो अंत। बीज जिसे बाप कहा जाता है वो आदि में भी होता है अंत में भी होता है। वृक्ष बोया जाता है तो बीज, और वृक्ष बड़ा हो जाता है अंत में फल निकलते हैं, फल पक जाता है तो उसमें भी बीज। तो बीज अपन को उस वृक्ष से पहले पहले अलग थलग कर लेता है। पहले पहले नष्टो मोहा हो जाता है, आज में भी नष्टो मोहा और अंत में भी नष्ट मोह। कोई किसी से लगाव धोखा नहीं। तो देखो मनुष्य शक्ति के उदार साध बीज को भी नहीं जानते और उसके अंत को भी नहीं जानते, तो उनको कहे ना नास्तिक। फिर बाप की रचना को वर्षे को भी नहीं जाना, तो इसको भी कहा जाता है नास्तिक। समझा? जो बाप को भी न जाने और बाप के वर्षे को भी न जाने, इनहेरिटेंस को भी न जाने, तो नास्तिक ठहरे ना। अभी तुम बच्चे और वो डबल नास्तिक, ऐसे तो तुम भी पहले डबल नास्तिक थे। अभी बाप ने आकर के तुमको डबल नास्तिक बनाया है। तुम उस बीज के आदि को भी जानते हो, अंत को भी जानते हो, क्योंकि बाप को जानते हो ना। तो बाप से तुमको क्या वर्षा मिलता है? विश्व की बात कही का इनहेरिटेंस मिलता है, तो बच्चे को भी तुम जानते हो। सारी शक्ति के चक्कर को आदि मध्यंत को तुम जानते हो, तो बाप को भी जानते हो। जो रचना है सतयुग से लेकर के कलयुग तक, उस रचना के भी आदि मध्यंत को तुम जानते हो। तो तुम हो गए डबल आस्तिक, और बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं, भले कितने भी पंडित विद्वान आचार्य हैं, भले कितने भी बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, कुछ भी है, सभी डबल नास्तिक। और अभी ये बात तुम जानते हो, वो लोग तो नहीं जानते हैं ना। परंतु तुम किसको भी कहेंगे तुम डबल नास्तिक हो, तो वो समझ ही नहीं सकेंगे। जाते आते हैं आगे के ऋषि मुनि भी कहते थे नेति नेति,
हम उसके अंत को नहीं जानते, न बाप को जानते हैं, न रचना को, न रचना के आदमी अंत को जानते हैं। तो हुए ना डबल कि बाप को न जाना तो फिर उसके बर्ते को जो मिल्कियत मिलती है उसको भी नहीं जानेंगे। बाप को न जानने से मिल्कियत को भी नहीं जानते हैं तो वो नास्तिक ही कही जाती है। तुम तो बने हो आस्तिक, क्योंकि दुनिया को मालूम ही नहीं है कि हमको चाहिए क्या, बस सन्यासियों के पास जाते रहेंगे, कहेंगे हमको शांति चाहिए। अब शांति किससे मानते हैं, शांति किसको कहा जाता है, बेचारे नहीं जानते हैं कुछ भी नहीं। अरे इतना अशांत दुखी दुनिया में शांति रखी है क्या? ये तो कर्म करना होता है, तो जब शरीर है तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। फिर शांति कहाँ मिलती है? अरे शांति तो मिलती है शांति धाम में। अभी शांति धाम में तो सबको शांति चाहिए ना। 500-700 करोड़ को शांति चाहिए ना। देवात्माओं को भी शांति चाहिए, वो भी चौथी अवस्था से गुजर रही है, वो भी अशांत हो गई। अभी शांति धाम एक ही है और वो शांति धाम सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी परे है। घर में देखो एक अगर शांत हो दूसरा अशांत हो तो जो दूसरा अशांत होगा वो भी उनको अशांत कर देंगे। घर में दो भाती होते हैं, तीन भाती होते हैं, चार भाती होते हैं, घर के भाती होते हैं ना, समझो पांच भाती हैं, चार भाती शांत हैं और एक भाती अशांत है, तो वो सबको अशांत कर देगा। तो यहां इस दुनिया में कोई शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है शांति धाम में। उसे कहते हैं स्वीट होम। अच्छा फिर आत्मा कहती है मेरा स्वीट होम जब शांति धाम है तो फिर जब मुझे पाप भेज देते हैं तो मुझे कोई जानने में थोड़े ही भेज देते हैं। शांति धाम से जहन्नुम में भेजेंगे क्या? नहीं, बाप तो हमको नई दुनिया में भेज देंगे। तो देखो नई दुनिया में जाने के लिए तुम अभी तैयार हो रहे हो, तुम जानते हो पहले हम सब आ जाएंगे घर, शांति धाम में जाएंगे।
सीधे हम सुखदान के लिए जाएंगे, क्योंकि सुख मिलता है नालिश से, और नालिश कौन देता है? एक सुख का सागर बाप नालिश देते, बाकी तो सब अज्ञान ही अज्ञान देते हैं। एक बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञान से ही सुख मिलता है। तो अभी तुम ये ज्ञान सुन रहे हो, ले रहे हो, पाठशाला है ना, ये कोई बोझ सत्संग नहीं है। जो दुनिया में गुरु लोग चलाते हैं, क्योंकि वो गुरु लोग कोई भी सदगुरु नहीं है, सदगुरु तो एक ही है, सत माने सच्चा, तो बाकी सब गुरु झूठे हो गए ना। तो वो जैसे मनुष्यों का ये संग होता है, साधु संत महात्माओं का संग होता है, वो कोई सत्संग नहीं है। यहाँ तो पाठशाला है, और पाठशाला किसकी है? भगवान की पाठशाला। वो भगवान वाच बच्चों के प्रति है। कौन भगवान? निराकार भगवान, निराकार आत्माओं का भगवान। देह तो साकार होती है, तुम कोई देह थोड़े ही हो, तुम तो देह में साकार, देह में निराकार आत्मा हो। तो निराकार आत्माओं का बाप निराकार भगवान, तुम निराकारी तेज को पाते हो तो पढ़ाई के द्वारा, तुम कोई पुरुषार्थ ऐसा नहीं करते हो जिसमें देह की गंदा, तो आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हो और इसी जन्म में आत्मा बन जाते हो। तो अभी भगवान वाच बच्चों के प्रति है, तुम बच्चे ही भगवान के बच्चे हो। ये भगवान के बच्चे नहीं है, तुम किसे कहा जाता है? सन्मुख बैठते हैं उन्हें तुम कहा जाता है, दूर रहते हैं उन्हें तुम थोड़े ही कहेंगे। तो देखो वो निराकार भगवान हमको कैसे पढ़ा, कैसे हमको कहते हैं, कैसे बात करते हैं। निराकार भगवान शरीर में प्रवेश होकर तुम बच्चों से अभी बात कर रहे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आत्माएं भी तो शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्म इंद्रियां हैं, तो कान की कर्म इंद्रियों से सुनते हैं। कर्म इंद्रियां ना हो तो सुनेंगे कैसे? कर्म इंद्रिय ना हो तो बोलेंगे कैसे? तो आत्मा सुनती है। अभी आत्माओं को परमात्मा बैठ करके पढ़ाते, समझा ना? ऐसे कोई भी किसको पढ़ाते नहीं है,
बस परमात्मा को बुलाते हैं, ये पतित पावन, ये सतगति दाता, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, उनको ऐसे कहा जाता है। लिबरेटर कहेंगे, ओ गाइड, यानी इनका अर्थ है जब अंग्रेजी बोलते हैं ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, तो लिबरेट किससे करेंगे? दुख से ही लिबरेट करेंगे। तो बस पुकारते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है लिबरेट कैसे करते हैं, और लिबरेट करने के लिए गाइड कैसे बनते हैं, ये गाइड करके कहां ले जाएगा, कोई भी नहीं जानते। फिर आते रहते, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। अभी देखो इस समय में गॉड फादर आया हुआ है और आकर के तुम बच्चों को गाइड करते हैं, और कोई को तो गाइड नहीं करते। और तुमके लिए कहां के लिए गाइड करते हैं, कहां के लिए गाइड बनता है, कहां के लिए पंडा बनता है? शांति राम ले जा करके पीछे तुम वहां सुखदान में आए, आप ही चले जाने। तो बाप गाइड बनता ही है एक दफा सबका। 500-700 करोड़ मनुष्यों का, आत्माओं का, ऐसे मत समझो। फिर जब तुम यहाँ आएंगे अपने स्वर्ग में, नई दुनिया में राजी करने, तो बाप गाइड नहीं करेगा, वहां कोई गाइड थोड़े ही करेगा। बाप तो एक ही दफा आते गाइड करने के लिए, और ये बाप कोई भी नहीं जानते हैं कि बाप अंदर कैसे जावे हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि पतित बन गए हैं, बुद्धि पतन में चली गई है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सभी पतित हैं एकदम, मन बुद्धि से पतित हैं। शरीर को बल पावन बनाते हैं, चीची दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। तो उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा भी पतित होने के कारण और नहीं सकती है। भले कोई कोई जानते हैं कि निर्वाण धाम हमारा सीट होम है, ये भी जानते हैं कि बाणग्रस्त है या निर्वाण धाम, निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक साथ से ऊपर है। अभी ये भी इतना भी कोई कोई जानते हैं, जो भक्त लोग हैं, पढ़ते हैं, कुछ करते रहते हैं, तो इतना बुद्धि में है। हम परमधाम में रहते हैं, निराकारी दुनिया में रहते हैं, जहां सूरज चांद सितारों का गम नहीं है, तो हम रहने वाले वहां के हैं। चल अभी यहाँ भक्ति करते ही है सब शांति संत महात्मा बाहर जाने के लिए, पर उन तुमको को मालूम तो है ही नहीं कि हम वहां जा क्यों नहीं सकते। वो कहते भी हैं हम पतित हैं, तो क्या समझते हैं? जब कहते हैं हम पतित हैं, तो शरीर को पांच तत्वों को पतित समझ लेते। अरे पांच तत्व जड़ हैं, वो जड़त्व है, बुद्धिहीन है,
समझ ही नहीं है। बुलाते हैं पतित पावन को, तो पतितों को पावन बनाने वाला जरूर सदैव पावन होगा। अब ये भी नहीं समझते हैं कि हम पतित, हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा पतित है, इसलिए हम जा ही नहीं सकते। तो ऊंचे से ऊंचे धाम शांति धाम में जब तक है पतित पावन बाप खुद ना दे, वो आकर के हमको जब पावन बनावे तभी ही हम जा सकते। ये कहते रहते हैं पतित पावन आओ, बुलाते हैं ना। अभी देखो पतित पावन आया हुआ है, तुम बच्चों को पावन बनाने की रमज सिखाए रही है, युक्ति बताए रही है, तो कैसे तुम उड़ सकेंगे। कैसे उड़ सकेंगे, क्या युक्ति बता रहे हैं, मन बुद्धि से बाप को याद करो, नहीं तो वापस तो कदाचित तो कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि नहीं समझते हैं तो कदाचित पतित तो बनना ही बनना। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना, कोई भी हो इसका पतित पने से कोई छूट नहीं सकता है। तीस दस छियासठ की वाणी का पांच वर्ग, और इस समय तो दुनिया में सभी पतित तमो प्रधान है। देखो तो दुनिया में कितने मनुष्य हैं, भारत में कितने हैं, दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य हैं। अब ये तो सब जानते हैं, बच्चे तो जानते ही कि बरोबर सत्यु के आदमी 500 करोड़ तो नहीं होंगे। के राज्य में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तो बाप ने समझाया है 9 लाख होते हैं। तो जब तुम बच्चे किसको समझाते हो उनको पहले पहले ये जाकर के समझाओ कि बच्चे ये जो राज्य था यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और उस श्रेष्ठ राज्य में कितने मनुष्य होंगे, विचार करो बुद्धि से कि वो मनुष्य शक्ति का छोटा सा धार था। छोटा धार जैसे होता है इससे बड़ा होता है, विचार करो सतयुग में जब नया धार था, एक धर्म था, अभी तो बहुत हो गए, बात कितने थोड़े मनुष्य। अभी ये झाड़ जो पुराना हो गया है, मनुष्य देखो कितने हो गए, आना गिना। अभी ये जो सतयुग है और कलयुग है वो तो सतयुग पूरा होगा तो त्रेता फिर द्वापर, ये तो जैसे दुनिया की हर चीज बदली होती जाती है। अभी कलयुग के पीछे सतयुग आ नहीं, ये जो इतना बड़ा झाड़ है और सतयुग में जो इतना झाड़ छोटा होता है, ये छोटा कैसे हो जाता है। तो अभी तुमको बैठ करके पढ़ाते हैं, लाइक बनाते हैं तुम बच्चों को, बच्चे अभी तुम स्वर्गवासी बनने वाले हो, दुनिया के और धर्म वाले और धर्म खंड वाले
और देश वाले स्वर्गवासी नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि क्यों नहीं बनने वाले, क्योंकि वो सही स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ कर दे ही नहीं। इस समय में तुम भी नरकवासी थे, दुनिया के मनुष्य भी नरकवासी थे, अभी तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। अभी तुमको ऐसे नहीं कहेंगे कि नरकवासी हो, तुम हो संगम युगवासी। तो अपन को तुम अभी नरकवासी नहीं समझ सकते हो, क्यों? स्वर्ग बनाने वाला सदा सही स्थिति में रहता है, और नरक बनाने वाला नर मनुष्य सदा देह की स्थिति में रहता है, उसे देवता भी नहीं कह सकते। तुम देवता बन रहे हो, तुम सही स्थिति में चले जा रहेंगे। तो किस आधार पर चले जाएंगे? तुम अभी अपन को नरकवासी क्यों नहीं कह सकते हो? हम कहां के वासी हैं? अरे बुद्धि में पक्का बैठ गया ना, हम भारतवासी हैं या नहीं है? भारतवासी हैं। भारत का मतलब क्या है? ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, सदा लगा रहने वाला। तो सदा ज्ञान की रोशनी में रहने वाला तो नारायण ही है। कहते हैं नाम नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर सदैव कहाँ है? ज्ञान जल में है। ऐसे ज्ञान जल में रहने वाले नारायण कि तुम वासी हो, मना किसे के राज्य के वासी हो? नारायण के राज्य के वासी हो। भारतवासी कह दो, बाकी तुम नरकवासी हो। हाँ ये कह सकते हो कि तुम संगवासी हो। दूसरी सारी दुनिया जो भी है, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन का जे ब्रह्मा के ब्रह्मा पुत्र भी, जो भी तुम्हारी अब्बल लंबरपुरी के ब्राह्मण नहीं बने हैं, वो सब अपन को नरक बाकी समझे। परंतु अभी तो कुछ नहीं समझ, क्योंकि जैसे बुद्धि बंदर हो मिसल बन गई, ये मिसाल देते हैं बच्ची। मनुष्या तो बनते हैं, बंदर बनते हैं, या तो बंदर से बदतर भी बन जाते हैं। बाप आकर क्या बनाते हैं? बंदर से मंदिर लायक देवता बनाते। अभी देखो इस बात का मिसाल भी शास्त्रों में है। कौन से शास्त्र में? रामायण। नारद का भी मिसाल है। अपन को क्या समझता था कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक नारायण बनाऊं? परंतु फिर आरती में देखा तो क्या दिखाई दिया? अरे
मैं तो बंदर हूं, तो भगत था ना बच्चे। जो भक्त होते हैं वो भागते ही रहते हैं, बुद्धि एक जगह नहीं टिकती है। नारद क्या करता था है? कभी स्वर्ग में जाता था देवताओं के पास, कभी नरक में जाता था, कभी कहां जाता था, घूमता ही नहीं। अभी इस समय की ये बातें हैं, जिनकी बुद्धि भागती रहती है, एक में जिनकी बुद्धि नहीं टिकती, उनको क्या कहेंगे? नारद। क्या? नार माने ज्ञान जल, द माने देने वाला। ज्ञान जल दूसरों को तो देता है परंतु धारणा स्वयं में नहीं करता। कोई भी भगत आकर के बाप से पूछे कि बाबा हम सतयुग में जा सकते हैं, हम लक्ष्मी को वर सकेंगे, तो बाबा बोलेगा अपनी शकल तो देखो। ऐसी ज्ञान युक्त शकल बनी है, निराकारी तेज बनी है। अगर ऐसी निराकारी स्टेज बनी है, अव्यक्त स्टेज बनी है, तो तुम लक्ष्मी को वरण कर सकते हो। वो भी तब जब फर्स्ट क्लास निराकारी स्टेज बने। कैसी फर्स्ट क्लास? सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नहीं। और जो धर्म पिताएं होते हैं उनकी नंबर वार अव्यक्त स्टेज होती है। महात्मा बुद्ध को, गुरु नानक को, क्राइस्ट को ध्यान से देखो, अव्यक्त स्टेज है या देह में उनकी बुद्धि भरी है, अव्यक्त स्टेज दिखाई दे, परंतु वो सब नंबर वार है। अव्वल नंबर जो गाया जाता है वो अल्लाह अव्वलीन कहा जाता है। अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा बाप, वो बापों का बाप है। जितने भी धर्म पिताएं हैं उन सब का वो बाप है। और वो बाप जो सदैव आत्माओं का बाप है, वो देहधारी में आकर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके उस देहधारी को आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाते। तो देखो, जब वो मनुष्यों का बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी धर्म पिताओं के मिसल, परंतु अव्वल नंबर निराकारी बनता है, जिसके चित्र, जिसकी मूर्तियां दुनिया में जगह जगह देश विदेश में खुदाई में पाई गई है, और बहुत ज्यादा तादाद में पाई गई है, वो शक्ल कैसी देखने में आती है? ज्ञान की आभा, पवित्रता की रोशनी चेहरे से देखने में आती है या नहीं आती है? आती। तो देखो, तुम सब पहले तो पांच विकार रूपी बंदर थे, तो जब तक तुम बंदर हो तब तक तुम स्वर्ग में कैसे जा सकते? बंदरों में तो पांच विकार सब जानवरों के मुकाबले जाति होते हैं। तो देखो, सूरत मनुष्य की शकल देखने में भले कितने भी अच्छे हों,
लेकिन सीरत बंदर की दिखाई देती। तो इस समय में देखो फर्क हो गया, जैसे इसकी शक्ल है चित्र की तरफ इशारा किया लक्ष्मी नारायण जोड़े की, वैसे ये मनुष्यों की सब की शक्ल है, भले कोई राजा है रानी है कोई भी है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शक्ल एक ही है ना। तो देखो वो मनुष्य राजा भी होगा तो भी इनके आगे चरणों में गिरेगा, झुकेगा ना, कहेंगे आप निराकारी हो, सर्वगुण संपन्न हो, सोलह कला संपूर्ण हो, अपन को विकारी पतित कहेंगे, नीचे कपटी पापी, मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। अभी इनको देखते रहेंगे, किनको अभी मैंने कब, अभी संगम युग में आगे चल करके इनको देखते रहेंगे, किनको लक्ष्मी नारायण को देखते रहेंगे, बोलेंगे आप ही तरफ पर हो, आप ही हमारे ऊपर कृपा करो। तो अभी अभी संगम युग में वर्तमान में इनको तोड़ ही मालूम है, ये अभी पुरुषार्थी हैं या संपन्न तेज है, पुरुषार्थी तो ये थोड़े ही पतितों को पावन बनाने वाले हैं, पुरुषार्थी हैं तो पतितों को पावन बनाने वाले हैं या संपन्न तेज है तो पतितों को पावन बना देंगे। तो देखो तो कोई को पता ही नहीं पड़ता है कि तरस किसको पड़ता है, है? याद तो करते हैं साकार में निराकार को याद करते हैं, परंतु मन बुद्धि कॉन्सेंट्रेशन सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा के ऊपर जाता है या पुरुषार्थी के ऊपर जाता है, है? इसलिए बाबा कहते हैं कोई मम्मा के मुरीद कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा की आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कोई को रहता ही नहीं। तो देखो बताओ किसको रहम दिल कहा जाता है, है? रहम दिल पुरुषार्थ करने वाली आत्मा को कहा जाता है या पुरुषार्थ करने वाले ऊंचे से ऊंचे पुरुषार्थी में जो आत्माओं का बाप आया हुआ है वो रहम दिल है, ये देवता है, ये देव आत्माओं की आत्मा है, ये कोई रहम दिल है, है? नहीं, ये भी तमोपधान बनती हैं, तो कलयुग के अंत में रहम दिल रह जाती हैं, है? संग के रंग में आकर ये भी राक्षस जैसी बन जाती है। तो देखो ये देवताएं भी चाहे वो देव देव महादेव ही क्यों हो वो देवताओं की लिस्ट में है, अभी है, अभी देवताओं की लिस्ट में है या नहीं? नहीं, ये रहम दिल कब थे, किसके ऊपर ये रहम दिल करेंगे? रहम किया जाता है जब कोई दुखी होता है तो उसके ऊपर रहम किया जाता है। तो ये तो सतयुग में ये किसको वहां रहम थोड़े ही करेंगे, देवताएं
माँ तो सभी सुखी ही सुखी है, कोई के ऊपर रहम करने की जरूरत ही नहीं। तो मनुष्यों को ये बात मालूम नहीं है कि रहम दिले 5000 वर्ष के इस ड्रामा में एक ही आत्मा है जो प्रवेश करती है, कोई मुकर्रर मनुष्य तन में और रहम दिल का पाठ बजाती। ये देवताएं कोई रहम दिल थोड़े ही होते हैं। महादेव जिसको कहा जाता है वो भी तो देव ही है, है? देवता है या भगवान है? देवता है, वो रहम दिल है कहेंगे नहीं? कैसे रहम दिल क्यों नहीं कहेंगे? है रहम दिल इसलिए नहीं कहेंगे, जो रहम दिल होता है वो सुधरने का मौका देता है या विनाश करा देता है? है तो देव देव महादेव शंकर जिसे कहा जाता है वो क्या करता है? है वो तो विनाश करा देता है। किनका किनका विनाश करा देता है? जो सुधरते नहीं है, सुधरे हुए नहीं, उनको मौका देता है? है नहीं देता। तो ये देवताएं कोई रहम दिल नहीं होते हैं। तो देखो मनुष्यों को इतनी भी बुद्धि नहीं है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि मनुष्य। तो पत्थर बुद्धियों को आकर के फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। कैसी बुद्धि? पारस। पारस क्या करता है? कहते हैं एक पारस पत्थर होता है जो लोहे से भी छू दो तो वो लोहा सोना बन जाता है। अब वास्तव में ऐसा कोई पारस पत्थर किसी ने देखा नहीं होगा। ये कहावत है, पारस शब्द स्पर्श का बिगड़ा हुआ रूप है। क्या? स्पर्श मात्र से ही परिवर्तन हो जाता है। और स्पर्श किससे किया जाता है? संग का रंग किससे लगाया जाता है? है इंद्रियों से ही संग का रंग लगता है। तो कहते हैं दृष्टि से शक्ति सुधर जाती, परंतु किसकी दृष्टि से शक्ति सुधरती है? हैं? शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसकी दृष्टि से स्पर्श मात्र से ही, दृष्टि के स्पर्श मात्र से ही सारी शक्ति से भर जाती है। कोई ऐसा चित्र बाबा ने बना के दिया है जिससे साबित होता हो? नहीं। क्या? झाड़ का चित्र दिया है। झाड़ के चित्र में ऊपर वो मुकर्रर रथ बैठा हुआ है, स्वयं उसको कोई कपड़े नहीं है, निराकारी स्टेज है, परंतु और आत्माओं को आकर्षित करता है। बाबा ने भी बोला है अंत में तुम बच्चों को बाप ऐसी तीखी दृष्टि देंगे जो तुम शरीर में ठहर भी नहीं सकेंगे। शरीर से आत्मा ऊपर की ओर उड़ने लगेगी। तो देखो इसको कहा जाता है पारस। स्पर्श करने मात्र से जो पत्थर बुद्धि थे वो क्या बन जाते हैं? सोने के समान सच्ची आत्माएं बन जाते हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए,
अभी तुम सो ये बन रहे हो, तो देवता थे सो देवता बन गए। देखो ये सिखाने के लिए कि कैसे तुम पत्थर से सोना बन जाते हो, सोने जैसे शक्ति बन जाते हो, सतयुग में जाने लायक बन जाते हो, ये बात पढ़ाने के लिए ये बात की पाठशाला है। जो पाठशाला में नरसे नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ये पाठशाला है। ये बच्चे यहाँ आते हैं पाठशाला में। अरे भाई दुनिया में पाठशालाएं तो बहुत हैं, भारत में भी है, देश के पाठशाला। अच्छा इस पाठशाला में तुम क्या सीखने आते हो? इस पाठशाला में हम जाते हैं नर से नारायण बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए नहीं आते हो, डॉक्टर बनने के लिए नहीं आते हो, वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए नहीं आते हो। ये तो एक जन्म की पढ़ाई है, तुम काहे के लिए आते हो? तुम आते हो नर से नारायण जैसे बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए, क्योंकि इस पढ़ाई का नाम क्या है? राजयोग। इसमें राज भरा हुआ है। ये बात देह का बात है, जो देह की पढ़ाई पढ़ाते हैं देह का राज सिखाते हैं। तो ये तो किसको मालूम ही नहीं है ना बच्ची, दुनिया में किसी को नहीं मालूम ये देह का राज क्या है, ये वेद की पढ़ाई क्या है। कोई भी ऋषि मुनि को देखो, हिस्ट्री में देखो, कोई को मालूम नहीं है कि राजयोग किसने सिखाया। उन्होंने कृष्ण का नाम दे दिया, कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में होती है या बड़े रूप में होती है? बच्चे के रूप में होती है। बच्चा पवित्र होता है, वाइसलेस होता है, बच्चे में तो विकार नहीं होते, तो कृष्ण की पूजा करते हैं। अब उनको मालूम नहीं है कि जो बच्चा बुद्धि है वो राज की बातें क्या जाने? सालिम बुद्धि जानेगा, सगीर बुद्धि जानेगा राज की बात को, रहस्य की बात को, या बच्चा बुद्धि जानेगा? तो देखो शास्त्रों में लिख दिया है, गीता का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान कृष्ण ने सिखाया। क्या शक्ति वाणी का छठा पे, तो देखो सारी गीता खंडन कर दी। सिखाने वाला ही बच्चा बुद्धि, तो सीखने वाले क्या बनेंगे? है बच्चा बुद्धि ही बनेंगे। अरे गीता है गीता, क्योंकि यही गीता महावारी महाभारत लड़ाई भी है। जो गीता ज्ञान के साथ हुई थी, तो ये मनुष्यों को विचारों को मालूम ही नहीं है कि गीता का भगवान कौन था। उन्होंने गीता का भगवान कृष्ण को दिखाई दिया, कहते हैं गीता पति भगवान। अब बच्चा पति कैसे बनेगा? बच्चा पति बनता है क्या? गीता पे पति माता है, बच्चे से
वो महात्मा कैसे साबित होती है? अब कोई बताए कि राजयोग किसने सिखाया था? वो समझते हैं कि श्री कृष्ण ने आकर के राजयोग सिखाया। अभी भी जब भी बैठ करके गीता सुनाएंगे तो वो झूठ ही पाठशाला हो गई ना, क्योंकि गीता ज्ञान दाता ही झूठा नाम दे दिया, झूठा ज्ञानी ही होगी। जाकर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वा मन मना भव, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। श्री कृष्ण कैसे कहते हैं मत मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे ऊंचते ऊंचे में समाना है या नंबर वार नीचे में समाना है? ऊंचते ऊंचे में समाना चाहिए। तो ऊंचते ऊंचे क्या श्री कृष्ण है? अरे श्री कृष्ण तो इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, 16 तला संपूर्ण है, नर से प्रिंस बनने वाला है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला नहीं है। तो जो नर से डायरेक्ट बनने वाला नारायण है वो नारायण का बच्चा श्री कृष्ण है। बच्चे को नारायण का टाइटल देता है। बाप का टाइटल किसके ऊपर आता है? बच्चे के ऊपर आता है। तो अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भले लिखा हुआ है मुझे अपने एक परमपिता परमात्मा को याद करो, किसको याद करो? परमपिता परमात्मा। ये परमपिता क्या है? परमात्मा क्या है? परमपिता अर्थात परे ते परे रहने वाला पिता, जिससे परे ते परे रहने वाला, उसको क्रॉस करके रहने वाला कोई भी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? परमपिता। उसके बाद कहते हैं परमात्मा। ऐसे क्यों नहीं कहते परमात्मा परमपिता? शंकर शिव क्यों नहीं कहते? शिव शंकर क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़े का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में लिया जाता है। तो देखो शिव बाप जो आत्माओं का एवरलास्टिंग पिता है, जिसका इस दुनिया में और पारलौकिक दुनिया में कोई भी पिता नहीं, वो परम पिता इस सृष्टि पर जब आते हैं तो आत्माओं के बीच में परम पाठधारी को चुनते हैं। कितनी मनुष्य आत्माएं हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में जो परम पाठधारी है, हीरो पाठधारी है, उस मनुष्य आत्मा में प्रवेश करते हैं। वो हीरो पाठधारी पढ़ाई के टाइम संगम युग में भी हीरो, पढ़ाई पढ़ने वालों में हीरो, अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनता है। फिर सतयुग में भी है अव्वल नंबर का, 16 तला संपूर्ण देवता बनता है। फिर त्रेता में अव्वल नंबर क्षत्रिय बनता है। और द्वैतवादी युग में भी अव्वल नंबर यश, पहला नंबर वैश्य बनता है। कैसे है? अभी तक तो लोग यही समझते आए
कि इब्राहिम आया तो उसने द्वैतवाद फैलाया, दूसरा धर्म स्थापन किया, दूसरा राज्य चलाया, दो कुल बनाए, दो मत बनाए, दो दो भाषाएं चलाई। नहीं तो देवताएं तो सतयुग त्रेता में अद्वैत थे, एक को मानने वाले थे। तो इब्राहिम की आत्मा गो अब्बल नंबर विशेष है या कोई और भी अब्बल नंबर उसका बाप है, उसका भी बाप है। वो दुनिया में सबका बाप है, क्या निर्विकारियों का भी बाप है इस दुनिया में, और विकारी से विकारियों का भी बाप है। तो कैसे बीज में सभी गुण होते हैं? बीज में सभी गुण होते हैं, बीज में सभी गुण होते हैं, तो उसका उदाहरण बताओ। शास्त्रों में तो जरूर उदाहरण होगा। अरे परिवार होता है, परिवार में बाप भी है, माता भी है, भी माताएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं। तुम सब के बीच में विकारों की पहल करने वाला कौन होता है? बाप होता है। तो ये भी मनुष्य सृष्टि है, इसमें जब द्वैतवाद की शुरुआत होती है तो विकार से होती है। क्या नाम दिया? विपरीतकारी। तो कौन विपरीतकारी करना शुरू करता है पहले? एडम है, एडम। मुसलमानों के शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या कि अल्लाह मियां ने जब जन्नत रची तो एडम आदम और हव्वा को ये ताकीद कर दी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। बहुत समय के बाद वो ये बात को भूल गए। ये जो शरीर रूपी बॉडी है, बॉडी माने है, बॉडी किसे कहते हैं? अरे जहां फलों के बगीचे होते हैं उसको क्या कहते हैं? बाड़ी कहते हैं। तो ये सुख देने वाला फलों की बाड़ी शरीर है। आंखों से भी सुख दिया जाता है, कानों से भी सुख दिया जाता है, सभी इंद्रियों से सुख दुख का लेन होता है, लेना देना होता है या नहीं होता है? तो ये बाड़ी है, बोला इस बाड़ी में जो बीच का फल है वो नहीं खाना। उन्होंने नाम भी रख दिया उसका गंदम, मुसलमानों ने क्या नाम रख दिया? गंदम। और वो मानते भी हैं कि जो गेहूं होता है वो गंदम होता है। बाड़ी उनको उन्होंने समझ लिया, ये शरीर नहीं समझा। क्या समझा? कोई पेड़ पौधों की बाड़ी होगी, पेड़ पौधे की जो बगीची होती है ना, ऐसी कोई बगीची होगी, उसका फल नहीं खाना। तो उस फल का नाम उन्होंने दिया गंदम। गंदम वो कहते हैं गेहूं को। गेहूं का आकार जो है कैसा होता है? जैसे स्त्री का आकार होता है स्पेशल, ऐसे गेहूं का भी आकार होता है। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया गंदम। भक्ति मार्ग में ऐसे ही होता है, भक्ति मार्ग में सारी बातें स्थूल उठाए लेते हैं, बाबा तो बेहद में बोलते हैं। तो पहले पहले शुरुआत किसने कर दी? है आदम ने कर दी। है किसने की?
हव्वा ने की शुरुआत या आदम ने शुरुआत की? हव्वा ने शुरुआत की। आदम। देखो आज भी स्त्री जाति इंद्रियों की चंचलता करने में पहल करती है या पुरुष पहल करते हैं? है? अरे अनुभव की बात बताओ। पुरुष पहल करते हैं। जिसे गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो मेरे रास्ते का अनुगमन